भाई। तू भी कम नहीं है बच्चा, तू भी चोटता है भाई। इतने आप और बताओ, और वो तो आज पर तो बड़ी पर क्यों भाई जी? अब भाई जी क्या सिगरेट दिला? एक साल हुआ भाई जी, एक साल। हाँ गर्मियों में गया था मैं, शादी में गया था भाई। एक बड़ी सी लंबी चौड़ी टेबल रखी रहती है, ले गए डब्बू की थी, हम लेके आ गए। हाँ वो उसकी थोड़ी थी, डब्बू की थी, वो डब्बू की थी, वो ले गया होगा भाई, ले गया और क्या होती, दिख जाती यहाँ पे। भाई जी और वो अपना ताला, वो तारों लेगा चाची, उसका तो पीतल वाला था। हाँ वो तो थोड़ा, वो भी ले रहा है। और नहीं चाबी मेरे मामा लगा रही थी, ये चाबी तो ले रही, ये चाबी है थी जी, बस मेरे तारों फिर कहीं लगा रहा मेरे बहन को, वो इतने सारे तारों बाथरूम में लगा रहा था, कौन के भैया मैं सामने नीचे के वहां में जे निकाल कर लाई थी जी, वो तार लगा के मैं वो इन से तारे भी नहीं से एक ये भी जसरा सरे से कछु भी फ्रिज में सॉस की बोतल रखी थी मीना जी की, फ्रिज में सॉस की बोतल रखी थी, वो मलाई रखी थी, अमूल की मलाई रखी थी, सब ले गए। फ्रिज तो नहीं ना बिल्कुल भी, क्योंकि मैं होती तो सब्जी मब्जी ले लेती, सब्जी भी नहीं है फ्रिज की, तो ऐसा कैसे पेट करके ले गए। बनी बनाई सब्जी रखी थी कटोरे, बनी बनाई सब्जी रखी थी ना कटोरे। तो मेरा ही था, उसको हर चीज थोड़ी दे सकता, आदमी की थोड़ी शर्म भी तो होती है। संडासी तो मेरी थी यार, एक यार वो दोनों ले जावे फिराक में। सुन लो भाई जी की हरामी, जसरत क्या करेगा, जसरत से तो घर पे भी कुछ नहीं होता, इस तैयारी से क्या लड़ेगा वो। रजत तो कुछ नहीं कहता बेचारा, रजत तो जूनियर भी है। इतनी देर में कर दिया खेल, मतलब मान ले जैसे तू मान ले शादी वादी में जा और रात में तेरे घर में चोरी, फिल्मों में अपन सीन देखते हैं ना, चप्पल पड़ी थी, चड्डी पड़ी थी, पूरा घर साफ झाक के एकदम, वीडियो में दिखता ना, जैसे कॉमेडी मूवीज में आता है, जो टेबल लगी टेबल भी गायब, सोफा किचन में देखा फक बहन जो किचन खाली। भाई जी सुनो, मैं जब यहाँ आया था ना, तो एक तो बाल्टी खरीद के लाया था, अच्छी वाली बढ़िया बाल्टी थी, तेरे बगल में दुकान है डूंगर सिंह की, उससे लाया था, और आपकी बाल्टी थी बड़ी वाली कुंदे वाली है ना, और आपकी वो पीपियां थी। अब यार यूँ सोच, तू तो अकेला है, तू चार बाल्टी क्या करेगा, यहाँ कौन कौन है, मीणा जी, उपाध्याय जी, गौरव लखोटिया, रजत, कपिल, जसरत, एक लंड छोटी सी बाल्टी छोड़ के गया। और भगवान कसम इधर देख ले, और है ना मैं बता रहा हूँ, देखो बाल्टियां तो चल हमारी थी, उसने खरीदी मैंने खरीदी, ये पीपी जो रखी ना पीपियां तेल की, ये सब भाई जी की है, भाई जी ने बेचारे इकट्ठा किया, मतलब भाई ऐसे रहती है कि साले चार जने रहते हैं एक बाल्टी में, तो चलो इनके लिए मैं पीपी ला के रख देती हूँ, पानी वानी खत्म हो जाता है, तो पीपी अभी ले गया।
ये दे रहे थे नीचे और सर दे रहे थे और वे ये कहीं और सर तुमको सामान लग गए तो गौड़ तो फिर भी नंबर दो पे आता तिवारी तिवारी एक पे गौड़ देख मेरी बात सुन गरीब आदमी कोई नहीं खाया भले तुम अपने सहकर्मी की एसएससी कर लो किसी भी कर लो गरीब आदमी को नहीं खाया कोई यार और ये इमरान जी को एक तो आपको वाटर प्योरीफायर देके गए थे आरओ गैस सिलेंडर दे गए मैं भाई जी आपको लैपटॉप देके जाऊंगा ये वाला और नारो सामान तो देखो ये फालतू डब्बा डब्बी तो मेरे की बैंक बारे में गोल गोल भैया रहे नहीं भाई टाइम पे आ रहे थे एक कट्टा तो डब्बा डब्बी उन्हें दे रहा थे मैंने उनकी भैया ले जा तुम ले जा उनकी मैं हमारे घर है उनकी भाभी जी दे गए थे बड़े साथ पे अलमारी बर्तन अंधी सब दे रहे वो ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें दे रहे ज्यादा तक भी आप ये मिठाई ऐसी चीजें मिठाई बर्तन ला रहे क्या कर सकते भाई जी एक बार बताऊं ये तो ऐसे रहते हैं काम में झाड़ू पोछा बर्तन करते उनके भाई के उनके सामने तो मतलब उनकी बदली हो गई थी जब भाई तो मेरी गुड़िया छोटी की शादी हुई थी और ये रवि की शादी हुई थी एक महीना पीछे आती थी और एक महीना पहले मेरी छोटी गुड़िया की थी हमारी छोटी गुड़िया एक तो सामान दे तो मैंने चांदी की उनने पाई जा गई तो वो तिवारी होता ना तो उसको जो दहेज में मिलता ना वो भी ले जाता सही में सही में क्यों भाई जी मान लो तिवारी होता मान लो एक नहीं मान लो भाई जी भाई मान लो आपके लड़के की शादी होती और हम यहाँ रहते तिवारी भी यहाँ रहता मान लो आपके लड़के की शादी उसको दहेज में मिलता तो तिवारी जाता तो उसको भी ले जाता ये मैं ले जा रहा हूँ ये मेरा है सावने ना हाँ, तिवारी ने 15 दिन के रुपए दिए कि नहीं दिए बाद में 15 दिन के रुपए काम करने के नहीं दिए बताया और हाँ मेरे 15 दिन के पैसा दे तो दे रहे थे सामान तो चूल्हे में जाओ पैसे ही नहीं अब ये मेरी ऐसी तो लगेगी नहीं गरीब दीदी गरीब आपकी लगेगी और क्या और उन्हें देखो थारी इनकी कटोरी इनकी गिलासन की थारी इनकी सट्टी रहती बड़े सामने खरीद के उस कपड़न के 3,000 रुपए अलग रहे थे भाई जी वो तिवारी कहता ना उससे कहते हैं ना मेरे पास नीचे 2 कमरों की चाबी और है वो मैं दे देती हूँ उसमें से भी ले जाओ कुछ क्या भाई जो कहते थे क्या बाद में देखे उबे गए और भाई जी अन्ना मैं पैसा तो महीना के क्यों दे गए और ऐसे क्यों दे गए सामान ले गए जरा हाँ मैं रजीत सर गए जैसे वो सर भी देख रहे कपड़े उनने नहीं भले मेरा महीना पूरा नहीं होता उनको और घटे ही रहते जब गए थे उनका पूरा महीना पैसा गया 500 रुपए नकदी देख रहे रजत में ना रजत तो यार लौंडा ही जिंदा रजत का गुरु कौन मैं सही में बहुत अच्छे है रजत सर भी बहुत अच्छे थे जसरत लंगोट जसरत खा जाता आपके पैसे है ना भाई मैंने तो भाई जी बोलो तो छोड़ आप उससे यूं ही कहती कि देखो ये नीचे है ना मैं 2 लोगों के काम और करती हूँ ये चाबी ले लो और उधर से कुछ सामान ले जाना है तो ले जाओ यूं कहती आप तिवारी से सर एक बात तुमने वो बता रही थी मैंने आपसे नहीं कही कि अपन देखो करते रहे अपन क्यों दूती लगा के अपन लड़ाई कराते ऐसी मेरी आदत नहीं है और मैंने जब गया घर में से बा घर में शिफ्ट करो तुम सामान जब मैं उसमें की रही थी तुम्हारे सामने भाई कपिल समझ के ना कहनी मैं भी मैडम लाऊंगो तो या पूरा सामान पहले यहाँ मैं कर लूँगो तो बाको सामान वो हो तो लेके दे देंगे नहीं होगा तो बस मेरे सामान में तो ये बात आपने बताई क्यों नहीं पहले मैंने जी सर लड़ाई तुम्हारे नहीं बताई कि भाई बीच में लड़ा देखो सर ये सब ठेला दे रहे थे अपन ने सर भैया मैंने नहीं बताई तुम्हें सर आज के लिए मैं आज बताइए हमने 1 साल बाद एनिवर्सरी पे देखो सही बात है आज जसरत सर का चुकी हुई इनके बारे में मैंने दो इन्हें भेला गिरा मैं कैसे लड़ाऊं सही बात है जसरत तो कुछ नहीं कहता मेरे बारे में जसरत तो बहुत अच्छा है बेचारा ना मतलब ये भी नहीं किया उनके बारे में उन्होंने पहला बता रही थी फिर मैंने नहीं की भैया इनकी लड़ जाए मोह बुरी कर दिए दोनों सर मोह और घर से निकाल दिए तो मैंने नहीं की डर के मारे भाई जी मेरे रुपए भी नहीं दे रहा वो
मैंने काम कर मेरे से कहता था तो मैं कैश पे चला जाता हूँ, मैं तू कैश पे बैठ जा। मैंने कि भाई भाई करता था पहले, तो मैंने ठीक है भाई बैठ जाएंगे तेरे लिए काम कर लेंगे। मैंने जो दिन में 1000 रुपया गोची भी खाई मैंने कई बार, पर साला पैसा देवे के नाम पे बोले ही नहीं। 1 साल के 10 साल हो जाएंगे मैं पैसा देवे के नाम पे नहीं बोला। गले पैसा हो रहे 5-7 हजार रुपया इकट्ठे हो रहे, पर क्या ही करे यार। पर भाई जी ये बात तो आपने मेरे को बताई नहीं यार पहले यार। किससे? मेरे से डर लगता है आपको? तुम दो ही लड़ जाओ और तुम भगा दो मेरे। दोनों लड़ जाते हैं, मेरे सामान अभी का कपट नहीं है तो घंटे कपट है तो भैया तो उनके है तो पेट में कच्ची जावी तुमने सामान भगा। हाँ उधर तुरंत शिफ्ट कर लिया रात में, मेरे को नींद नहीं आती, ये रजत के पैर मेरे पेट में घुस गए और ये हो गया वो गया, ऐसे कह रहा था बता ही नहीं सारे। हाँ बकर वाला वो बांगड़ में फ्लैट के रुपया भी नहीं दिया, 1.5 महीने रह गए। भाई मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहोगी, मैं चला जाऊंगा उसके बाद। मैं तो आपको अच्छे सारे कोई बुरे की जसत तो बहुत बढ़िया है, जसत बेचारा चुपचाप पड़ा रहता है। अरे उसको क्या उसकी लुगाई की याद आती है, चक्कर ही है। अब लुगाई की याद आ तो गुस्सा किस पे उतार रहे, या तो मेरे से कुछ कह नहीं सकता वो आपसे लड़ेगा। पर हम तो नहीं रखते हैं आपको काम वाले की तरह। तो सर मैं ही रहूं ऐसे कोई है तो ऐसे कोई लाते भी नहीं तो घर सामान में डाल नहीं। ये बात सही कह रही हो आप। ये गोल सर को भी सामान आता नहीं, ये नहीं भी कोई पति नहीं आते ना सामान कहीं भाई ऐसे वैसे लेर देना नहीं। अच्छा वो मेरे को ना भाई जी बताऊं, ये मेरे को योनो वोनो करने के इनाम पेनाम मिलती रहती है, वो मिल्टन की रोटी रखने की है ना वो मेरे को इनाम में मिली थी, और मेरे को वो चाय की केटली थी वो जिसमें चाय भरते थे सुबह सुबह आप तिवारी लेट उठता था उसके लिए चाय भर के रखती थी, उसको ले गया। अब देने का नाम नहीं भोसले की, उसको उसको तुम मिल्टन की खरीदो 600-700 रुपए की आएगी बहन जी। हाँ वो तो मेरी थी यार, मेरे को मिली थी इनाम में, मैं लेके आया था उसको, भगवान कसम है ना जिसका जो भाई जी एक बात सुन लो अभिषेक तो सुन लेना, मेरे को ज्यादा इनाम नहीं मिली, तिवारी बराबर नहीं मिली, 2-3 चीजें मिली थी, मैंने सब चीज यही इस्तेमाल करवा ली। जो भी मेरे को 1-2 गिलास मिली थी उनमें दारू पिलवा दी, वो चाय की केट ली थी उसमें चाय पिलवा दी, ये मिल्टन का डिब्बा रखा किचन में तुम देखोगे ना उसको, खूब कटोरे चम्मच वम्मच इतनी सारी चीजें मिली भाई जी, उसने एक चीज आज तक यहाँ नहीं रखी, एक चीज। हाँ मतलब भाई मेरा तो ये जब साथ रह रहे हो ना तुम साथ तो दिल खोल के रहो, कते कोई चीज छुपाना नहीं, कोई कुछ करना नहीं, झूठ बोलने की बात नहीं है। मैं भी है आप भी है, अपने घर में भगवान ने दे रहा कोई तो अपन भाई आ रहा तेरे का, अपने घर में कुछ कमी नहीं है तो अपन ने अपनी। हां अपने घर में कमी नहीं है तो कते खूब खूब खाओ सबको खिलाओ ये मानना है। देखो झूठ बोलने की बात नहीं, मेरे घर जाकर देखो ऐसी नहीं है, मेरे कहीं गृहस्थी नहीं है, मेरा फुल गृहस्थी है। और आपने बनाई है? आपने बनाई है पूरी? और मैंने बनाई है, मेरे घर भी नहीं है तो रे बे जब मैं मकान जाकर देखो अब और गृहस्थी जाकर देखो 2-3 दिन तो मशीन है ना फ्री ना चार छह कूलर पड़े दुनिया की चीजें, मेरे कुछ कमी नहीं है मगर मेरी नियत भी नहीं है ऐसी, भले जब मैं भूखी काम करूँ इनके मगर मेरी इच्छा नहीं थोड़ा कि मैं 2 रोटी बना के खा लूँ ठंडी का। सही बात है तो भाई ये ऐसा ही होना चाहिए यार, और क्या मतलब प्रेम से रहो। क्या करे तो यार भाई जी पर वो कच को का केवा वो रोटी का बोल के कहीं जो यूट्यूबर को तो नहीं, यूट्यूबर कौन तो होता भैया यार को ले जाकर चक्कर में तो नहीं है रजत का गद्दा। अब रजत मेरे से ये कह के गया था ये कपिल सर ये गद्दा मैं छोड़ के जा रहा हूँ आप इसको दिनेश को दे देना। अब दिनेश की बात सुनो, मैंने कहा दिनेश तेरे लिए रजत गद्दा छोड़ के गया इसको तू ले लेना। तो दिनेश ने मेरे से कि सर जब तक आप यहाँ रह रहे हो तब तक आप यूज करो उसके बाद मैं ले लूंगा। तो ये होती है बात भोसड़ी, ये होती है ऐसे नहीं कि ये टेंट हाउस की गद्दा चलो पैक करो बहन की पैक करो। हाँ
क्या करे भाई, अब उससे क्या हो गया, करोड़पति हो गया वो, या मैं मेरे सामान ले जाने में अरबपति हो, मतलब मैं रोडपति हो गया। अब ये बात है बहन, जो 20 साल बाद कितने, एक कहानी सुनाता हूँ भाई, आपको एक कहानी सुनाऊं क्या, सुनाऊं, सुन लो। बिरला जी बहुत अमीर आदमी, बिरला जी का तुमने नाम सुना, बिरला जी एक बहुत बड़े, जैसे अपने कासट जी बांगड़े से बिरला जी, तो वो बहुत पहले गरीब थे, मैं पिलानी में रह गया हूँ, पिलानी के बिरला जी, तो उन्होंने क्या अपने बर्तन वर्तन रख के एक आदमी से 1600 रुपये लिए, 1000 2000 10000 वो कमाने गए, और एक दो तीन चार पाँच साल में उन्होंने खूब सारे रुपये कमा लिए, खूब अरबपति हो गए। तो वो वापस आए और उन्होंने कहा यार तू ये पैसा ले ले और मेरे बर्तन वर्तन मेरे को वापस दे दे। तो उस आदमी ने उसके पैसे वापस नहीं दिए, उसके बर्तन वापस नहीं दिए, क्यों, क्योंकि अब जिंदगी भर ये रहेगा कि बिरला का मेरे ऊपर कर्ज है। बिरला ने कहा तू 10 करोड़ ले ले, तू 50 करोड़ ले ले, तू 1000 करोड़ ले ले, पर मेरे बर्तन दे दे। पर बान की मैं 1 भी रुपया नहीं लूं और ना तेरे मैं बर्तन दूं। जिंदगी भर यो तो रहेगी भोसड़ी की, बिरला मेरा कर्जदार। ये ना सही बात है, कते फैक्ट बात है, पिलानी में चर्चित बात है। तो भाई जी देखो बात ये, मेरी एक प्लेट चलेगी, दो चम्मच चलेगे, एक ये चलेगी, वो चलेगी, मेरा क्या हुआ। अगले दिन आपसे मंगाए के नहीं मंगाए, पैसा देके आप खुद अपने, हाँ सब चीज भाई जी को अगले दिन मैंने कि भाई जी ये लो 1000 रुपए, ले गया तो ले गया। शुरुआत में सोचा भाई बंदी समझ के ले गया, पर धीरे धीरे राज खुलेगा, अरे ये भी ले गया, वो भी ले गया, अरे भैंड ये भी ले गया। हाँ मैंने सोची कि एक आध चीज गलती से ले गए यार, हो जाती है मिक्सअप। तो अपन ने तो अगले दिन ही मैंने आपको 1000 रुपए दे के पूरा सामान मंगा ही लिया था, अपने क्या फर्क पड़ा, लंड फर्क नहीं पड़ा बहन। हाँ आज फ्रिज देख भोसड़ी का, लवा लव ऊपर नीचे बहन, तो कल से आपको क्या क्या खिलाया देखो। ले लिया 13000 रुपए का फ्रिज, 15500 रुपए में मिला था, मैं भेज माँ की चू। हाँ यहीं से लिया था मैं, 15.5 में लेके आया हूँ, 13-13.5 का मिलता है फ्लिपकार्ट, 13000 में। तो अपने तो दमदारी है, रोते थोड़ी अपन, गुस्सा आती है जब कह देते हैं भैया, देख गुस्सा आती है ना जब बेंचो गांड भी मार देते हैं। मैंने नहीं बोला अभी, मैंने खुद बोल दिया आगे से कपिल ले लेते हो सामान में, इसलिए मैं तो कुछ नहीं कह रहा। एक एनिवर्सरी तो होगी, 7-8 एनिवर्सरी तक, और 10-1 साल भाई जी अपने ना ऐसा क्या करेंगे, मैं हर साल आपको 6 मई को फोन किया करूंगा, हाँ भाई जी क्या हाल है तिवारी साहब, है ना। ये मेरे को ध्यान क्यों आया, सुनो तो सही, मेरा दोस्त उसकी शादी हुई थी 6 तारीख को, अब कल वो फोटो डाला था फर्स्ट एनिवर्सरी। मैंने कहा बहन के ना एनिवर्सरी तो अपनी भी है आज, अपना भी सामान लेके मांगा। तो यही मजे जिंदगी के भाई जी, कोई ले जा। रमेश मीणा जी ना, हाँ उनकी बात सुन भाई, तेरी कसम मेरी तो सबने गांड मारी है, लपक के गद्दे के नीचे थे, नीचे सोते थे, इनके तो सामान पड़ो ही रहता, कितने कितने सामान नहीं, जैसे पैसा भी बदले रहे और गद्दा के नीचे, जसरत सर के नीचे 6 महीने मेरे जेब में नहीं थी रखी थी। हाँ जसरत की अंगूठी कब तक ही नहीं होश नहीं है, कब तक ये नहीं पता नहीं पाए, जब जेल में मानी जेल में निकाल कर दी मैंने, 300 में रखी थी मेरे जेब में, बेस सर में पड़ी थी उनकी, अब नहीं गद्दा मैंने उठाया और जो नाले वाले साफ कर के आए थे ये भी बांगल की नौकर मौका जो बांगड़ जी की गाड़ी चला, मतलब भाई मीणा जी पहले छुट्टी पे चले गए तो उसी दिन आए थे वो, है ना, तो उनके पैसे तो वो हो नहीं सकते, और पैसे तो मैं ही रखता हूँ इधर, कभी चड्डी में पड़े, कभी मैंने गद्दे के नीचे, मेरे को भाई जी ने ला के दिए थे सर आपके 200 रुपए इतने का सामान ले आई, तो मैंने गद्दे के नीचे रख दिया, अपन तो इतने आलसी है कि उठा के अलमारी में रख दिया, इतना भी अपने अंदर वो नहीं है, तो गद्दे के नीचे रखे थे, और मैं रख के भाई और कसम भूल जाता हूँ मैं। तो फिर आगे बताओ, तो यहाँ से रखे तो भैया ने गद्दल उठाया, तो बिन्ना के भाई गद्दल तो मैंने समेटा और इनमें 200 रुपए निकले गद्दल के नीचे। हाँ क्या हो भैया, तो मैंने ना टेबल पे रख दे, उन्होंने कहा मैं टेबल हतो का गद पतो ने कहा कछु हतो के पे रख देते, मैंने यही मैं सोचते, दाल बाटी बनवाई थी उस दिन मीणा जी आए थे उनके लिए, दाल बाटी बनवाई थी दोपहर बाद भी, मतलब 5 बजे निकल गए थे बेचारे, हाँ शाम को निकल गए थे, भाई तो भी दोपहर रोटी खा जा रहा है, मेरे कपिल ने पैसे नहीं लाया,
भाई अभिषेक तेरी कसम मैं पता नहीं क्या कभी सारे अल्लाह देखना चली गई शाम गया इनकी यहां से पैसा रखे थे सर और इन्हें भी तो मेरे पैसा आते 200 रुपए इनकी दे 200 रुपए तो सर वो गए मीना सर बताओ ऐसे ये सब रात के भी रहे ये जाते जाते रहे सबको खिलाओ वैनो सभी गांड मार दिया भाई कसम ले नहीं आती कोई बात नहीं भाई जी 200 रुपए से क्या हुआ है कल तो अपन ने भेज दारू कितने की भी हाँ 200 रुपए से क्या होता है मूत दिए 200 रुपए तो अपन ने रात में मूत दिए 200 रुपए तो मेरी जिंदगी में यही मानना है कि ना कोई आदमी को तुम 2000 रुपए दे दो और उसे जिंदगी भर के लिए पीछे छूट जाए ना तो बात से बढ़िया चीज कोई हो नहीं सके कोई नहीं हो सके भाई कि 2000 रुपए तुम ले लिए अब जिंदगी में पक्का भी तुमसे 1 लाख या 10 लाख रुपए नहीं मांगा जब तक वहां के पास तुम्हारे 2000 रुपया है तो यहाँ से बढ़िया कोई चीज ही नहीं है अभिषेक क्या भाई जी कोई नहीं घुसने नहीं देता कोई घुसन भी नहीं देता बांगड़ी घुसन दी तो आज मैं स्कूल की चाबी मेरे जेब में रखी कितना सामान भर रहा है स्कूल विश्वास भी तो होगा तो कोई हो तिवारी की बात तो अपन लगातार एक सत्संग कर सकते हैं 7-8 दिन का तिवारी की बातों पर पूरी हाँ रामायण हाँ दम आलू हाँ अब वो घी यहाँ आ गया पार्टी करेंगे अब लाने भाई तेरी कसम देख उस टाइम तक मैं सिगरेट तो पीता था बाद में पीना छोड़ा मैंने अब तिवारी पिए जद ने सिगरेट लिया कौन सी गोल्ड ले यार मतलब यहाँ वो आया था बाद में घूमने के लिए और फिर वहन जो वही बात है वहन